ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यह अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फैब डॉट इन। सबसे पहले फ्राइडे के एनालिसिस का एक रिव्यू करते हैं। फ्राइडे का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर ये आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। ये आज निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट का, कुछ सिनारियो इस तरह से दिखाई दे रहा था। हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 15,014 और ब्रेक डाउन लेवल बन रहा था 14,879। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। आज भी 15,000 का एक हर्डल हो सकता था, लेकिन उसके भी ऊपर निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ और ऊपरी लेवल पे एक साइडवेज पैटर्न में ये ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही थी जो हमने प्री मार्केट प्लान बनाया था। तो आज के लिए यहाँ पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी, साइडवेज पैटर्न था एक। अगर बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में नए हाइज नहीं बने, एक इनसाइड बार ट्रेडिंग कैंडल वहाँ पर क्रिएट हुआ है और निफ्टी इंडेक्स में लाइफ टाइम हाइज लगे। तो कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको देखते हैं। निफ्टी का डेली चार्ट देखते हैं। सबसे पहले निफ्टी इंडेक्स अनचार्टेड टेरिटरी में है। इस लेवल के आसपास निफ्टी इंडेक्स पहले कभी नहीं था, ऑल टाइम हाई लगाया निफ्टी इंडेक्स ने। तो ये जो ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ की है, इसके ऊपर जब तक निफ्टी इंडेक्स ट्रेड करता है तब तक यहाँ पर ट्रेंड जो है वो बुलिश है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो जैसे ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तभी हमें एक करेक्शन आता हुआ नजर आ सकता है। तो अभी फिलहाल निफ्टी इंडेक्स अनचार्टेड टेरिटरी में है। आर्ली चार्ट पर चलते हैं, देखते हैं कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ करें, ये स्विंग लो, ये स्विंग हाई और ये स्विंग लो को पकड़ के, तो आप देख सकते हैं एग्जैक्ट 100% का लेवल के पास ही आज निफ्टी इंडेक्स ने क्लोज दिया। इसी लेवल के पास आर्ली चार्ट में ये कई बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, ऊपर जाने की कोशिश भी की लास्ट आवर में, लेकिन फेल होकर एग्जैक्ट किसी लेवल के पास आके ये क्लोज हुआ है। अगर नीचे के लेवल्स देखें तो यहाँ पर भी एग्जैक्ट फ्राइडे के दिन इसने रेजिस्टेंस फेस किया था 76.4 और 61.8% के तरह। तो अगर कल निफ्टी इंडेक्स आज के हाई को ब्रेक कर देता है, यानी अराउंड 15,158 के ऊपर सस्टेन करता है 15 या आर्ली चार्ट में, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 15,181। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 15,206। यहाँ पर ही 123.6% का लेवल आ रहा था, तो ये हमारा सेकेंड टारगेट हो सकता है। और निफ्टी इंडेक्स आर्ली चार्ट में ये जब फर्स्ट कैंडल का क्लोज हुआ है, इसके नीचे आके ये क्लोज नहीं हो पाया, एक साइडवेज पैटर्न में देख सकते हैं आप, हायर हाइज भी नहीं बन रहे ना लोअर हाई लोअर लोज बन रहे, एक साइडवेज ट्रेंड में यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा था। तो ये जो क्लोज है इसका 15,092 का लेवल है, ये अगर ब्रेक होता है कल तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 15,072। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और जहाँ पर गैप क्रिएट हुआ है उसका ये इनिशियल लेवल जो है 15,049, ये हमारा होगा सेकेंड टारगेट। हो सकता है अगर सेकेंड टारगेट के नीचे चला जाए तो एक यहाँ पर गैप फिलिंग हमें देखने को मिल सकती है, अदरवाइज इसी लेवल के पास ये सपोर्ट टेस्ट करके फिर एक बार बाउंस बैक दिखा सकते हैं। लेकिन अगर देखें तो यहाँ पर 100% का लेवल जो फिबोनाची एक्सटेंशन थ्रू हमने यहाँ पर ड्रॉ किया उसी के पास रेजिस्टेंस है, तो इस लेवल के ऊपर अगर हाई के ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी में और भी बुलिशनेस हमें नज़र आ सकता है। तो ये निफ्टी के लिए इंट्राडे लेवल से कल के लिए। चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। बैंक निफ्टी का पहले डेली चार्ट देख लेते हैं। अगर निफ्टी में देखें तो आज लाइफ टाइम हाईज लगे थे, नए रिकॉर्ड हाईज लगे, लेकिन बैंक निफ्टी में इनसाइड बार ट्रेडिंग हुआ है और कैंडल भी देखे लास्ट 2 दिन के कैंडल, तो जहाँ पर ये हाई लगा रहा था उसके नीचे आके जहाँ पर ओपन हुआ है वहीं पर आके ये क्लोज हो रहा है। यानी जितना बुल्स यहाँ पर कोशिश कर रहे ऊपर जाने के लिए,
लास्ट मोमेंट पे नीचे आके बेयर्स का कंट्रोल हावी हो रहा है और नीचे आके क्लोज हो रहा है। अगर उसके पहले के चार कैंडल देखे तो आप देख सकते हैं कि जो हाफ रेंज है, पूरे कैंडल की हाफ रेंज है, उसके भी ऊपर आके क्लोज हो रहा है, लेकिन लास्ट दो कैंडल से बुल्स का कंट्रोल यहाँ से जाता हुआ नजर आ रहा है। तो इनसाइड बार ट्रेडिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये जो कैंडल है यहाँ पर, ये ग्रेवस्टोन डोजी जैसा कैंडल बना है, इसका अगर ये ब्रेक कर देता है लो तो हमें यहाँ पर और करेक्शन गहरा था हुआ बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकता है। अदरवाइज ब्रेकआउट लेवल हमारा होगा इस कैंडल का, इस ग्रीन कैंडल का हाई अगर ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी में और तेजी देखने को मिल सकती है। चलते 60 मिनट के चार्ट में इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर हम देखें तो यहाँ पर डबल टॉप जैसा पैटर्न हो सकता है, ये फर्स्ट टॉप बना है और ये सेकेंड टॉप बना है और फिर मार्केट नीचे आ रहा है, तो नेक लाइन इस लेवल के पास बनेगा। अगर नेक लाइन को सपोर्ट लेके फिर बाउंस बैक करता है तो जब तक ये ऊपरी लेवल जो है, यहाँ पर इसने दो बार रेजिस्टेंस फेस किया, ये जब तक ब्रेक ना हो, कंफर्टेबली इसके ऊपर सस्टेन ना करे, तब तक यहाँ पर बाय पोजीशन बनाना रिस्की साबित हो सकता है। और अगर नेक लाइन को ब्रेक कर दे तो यहाँ से करेक्शन हमें गहराता हुआ नजर आ सकता है। तो कल के लिए हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा अराउंड 36,415, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 36,614, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट होगा अराउंड 36,798, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स ये साउथ की तरफ आता है तो ये जो लेवल है अराउंड कल के लो के जस्ट नीचे 35,834, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा। और नेक लाइन के पास हो सकता है सपोर्ट टेस्ट करे, तो यहाँ पर ये 20 EMA भी आ रहा है, तो हो सकता है यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिले। तो फर्स्ट टारगेट हमारा 35,666, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट होगा अराउंड 35,513, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये है बैंक निफ्टी और निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले। और जो हमारे टेलीग्राम चैनल्स है वहाँ पर हम इंट्राडे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ लाइव मार्केट में शेयर करते हैं, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, वो एब्सोल्युटली फ्री है। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।